हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आज के इस वीडियो में हम टेलीकॉम एंड नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को समझा था, जहां मैंने कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एंड कनेक्शन लेस नेटवर्क के बारे में बताया था। कनेक्शन लेस नेटवर्क इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट को कंसिस्ट किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को फर्दर आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो आइए समझते हैं इंटरनेट। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क एंड इट इज रैपिडली ग्रोइंग, सो इसे ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क भी कहते हैं। एक्चुअली द इंटरनेट इज डेवलप्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कंप्यूटर नेटवर्क दैट हैव इवॉल्वड एंड आर नॉट मेड अप ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड सब नेटवर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब को एज अ बैकबोन के रूप में भी सर्व करता है। इसे इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे के नाम से भी जानते हैं। नेट डज नॉट हैव अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम और टेलीकॉम सेंटर एंड डज नॉट हैव अ हेडक्वार्टर और गवर्निंग बॉडी। आइए नेक्स्ट समझते हैं इंट्रानेट। एक इंट्रानेट कंपनीज प्राइवेट नेटवर्क होता है जो इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी द्वारा एक्सेसिबल होता है। इंट्रानेट इंटरनेट के कॉमन प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड को यूज करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेट आर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा और इंफॉर्मेशन टू इंप्लॉइज, टू मेक शेयर डाटाबेस और फाइल्स, टू मैनेज प्रोजेक्ट विद इन द कंपनी। आइए नेक्स्ट समझते हैं एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इंटरनेट के सिमिलर होता है, एक्सेप्ट दैट यह सिलेक्टेड आउटसाइडर को एक्सेस करना ऑफर करता है, सच एज बायर एंड होलसेलर इन द सप्लाई चेन। इट अलाउज बिजनेस पार्टनर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इन बिजनेस पार्टनर को कंपनी के सर्वर पर लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है एंड एक्सेस ओनली टू द डाटा नेसेसरी टू कंडक्ट सप्लाई चेन एक्सचेंज विद द कंपनी। आई समझते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन। ईमेल, ब्राउजिंग द साइट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, e-commerce transactions, other applications are downloading software and information files, holding real-time conversation with other internet users and gathering information through online services. आइए समझते हैं need for telecom and networking. First है file sharing. File sharing network द्वारा provide किया जाने वाला common function है, जो सर्वर या सर्वर्स पर सभी डाटा फाइल्स को एक साथ ग्रुपिंग करना होता है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे डाटा फाइल्स एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं तो स्टाफ के लिए डॉक्यूमेंट एंड अदर डाटा को शेयर करना इजीयर होता है। यह इंटायर ऑफिस के लिए कंसिस्टेंट स्कीम के अनुसार फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखना एक एक्सीलेंट वे है। नेक्स्ट है रिमोट एक्सेस। आज के बदलते दुनिया में स्टाफ अक्सर मेन डॉक्यूमेंट को ऑफिस के अन्य लोकेशन से एक्सेस करना रिक्वायर करते हैं। नेक्स्ट है शेयर डाटाबेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंसिव डाटाबेस मेंटेन करता है तो शेयर डाटाबेस फाइल शेयरिंग का इंपॉर्टेंट सबसेट होता है। एग्जांपल, एक नेटवर्क इफेक्टिव वे होता है टू मेक द डाटाबेस अवेलेबल टू मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम। नेक्स्ट है फॉल्ट टॉलरेंस। प्रोसेस ऑफ मेकिंग श्योर दैट देयर आर सेवरल लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एक्सीडेंटल डाटा लॉस। फॉल्ट टॉलरेंस इज एन अप्रोच फॉर फॉल्ट प्रिवेंशन। द एग्जांपल्स ऑफ एक्सीडेंटल डाटा लॉस इज हार्ड ड्राइव फेलिंग, समवन डिलीटिंग द फाइल्स बाय मिस्टेक। नेक्स्ट है इंटरनेट एक्सेस एंड सिक्योरिटी। जब कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो वे इंटरनेट से कॉमन नेटवर्क कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। यह ईमेल, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, एक्सेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन वर्ल्ड वाइड वेब को फैसिलिटेट करता है। सो यह था कॉन्सेप्ट इंटरनेट, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट का। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टेलीकॉम नेटवर्क मॉडल के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।